बेगूसराय के गणेश दत्त महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लगे सेमिनार में बच्चों ने चटपट कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एनएसएस का एक साप्ताहिक शिविर लगाया गया जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिखाया है इसमें कि जैसे हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत होने के लिए तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा ना, यानी सब धर्म को एक साथ होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सब अगर हम एक साथ होंगे तभी उस दिन हमारा भारत एक होगा और हमारा भारत शान से और गर्व से कह सकेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैडम, एनएसएस की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पे यहाँ बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इस पर आप कुछ? एक एनएसएस की तरफ से अभी 1 वीक का शिविर लगा हुआ है, वो उसमें हम लोग शुरू में से फर्स्ट डे तो इनॉग्रेशन हो जाता है, उसके बाद हमने बच्चों के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके एक सेमिनार भी कराया, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हुए उनका रिजल्ट सुरक्षित है, उनको हम लोगों को 26 जनवरी को जो है वो पुरस्कृत किया जाएगा। उनको हमने एक पेंटिंग भी रखी एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के, कि अभी वो भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है उसको एनएसएस से भी जोड़ा गया है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के ये सारे बच्चे हैं और पहले तो ये उनकी सोच उभर के आएगी एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के पेंटिंग के ही जरिए, कि ये अंदर से ये क्या सोचते हैं। इसमें जो बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, तो उनको हम लोग प्राइज़ देंगे। और कल हम लोगों ने इसी मैटर को लेकर के भारत के ही को श्रेष्ठ भारत को ही लेकर के एक क्विज प्रोग्राम करवाया था, उसमें भी जो बच्चे हैं दो दो टीम में लोगों ने भाग लिया, एक ग्रुप भी करके, इसमें इतने उत्साहित थे बच्चे, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर ये बच्चे इतना उत्साह के साथ ये काम करेंगे। लेकिन पहले तो कुछ बच्चे आए कि हमको नहीं आता है, हम पेंटिंग करेंगे नहीं, लेकिन देखते देखते उन्होंने दूसरे दूसरे से पेंसिल ली और ये ली, कुछ करना शुरू कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर इस तरह से होता रहा तो जो बच्चे नहीं भी इंटरेस्टेड हैं वो देख दूसरे को देख करके इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं, और अब देखिए रिजल्ट इनका एक भारत श्रेष्ठ भारत में कौन सी पेंटिंग का क्या फर्स्ट आता है क्या नहीं। एनएसएस के सीनियर वॉलंटियर, अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है सर यहाँ? जी, अभी एनएसएस का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है जीडी कॉलेज में, उसी शिविर के अंतर्गत ये 6ठे दिन यहाँ पर सभी स्वयंसेवकों बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत के का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी वॉलंटियर्स एनएसएस के सभी 60 वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, सभी को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, सभी वॉलंटियर्स मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपना एक विचार रख रहे हैं और कला के माध्यम से उसे अब दर्शा रहे हैं।